भैया यूट्यूब बिल्कुल बिल्कुल कितना में खरीदे? ये पड़ गई थी 55। पचपन। और कोई गाड़ी है आपके पास इससे महंगा? नेक्सॉन है और एक स्विफ्ट है। ये थर्ड है भैया? नहीं नहीं इससे सस्ता है, वही बस दो गाड़ी। ये थर्ड है ना आपकी? हाँ थर्ड है। और कुछ बताइएगा अपने बारे में? बस भाई मेहनत करो यार, सारा कुछ मेहनत के ऊपर। हम लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं पर अभी तक पेमेंट नहीं है, एक साल हो गया मोनेटाइज हुए चैनल भाई। मोनेटाइज मैं अपनी बात बताऊं तो शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग किए थे करीब एक साल तक परेशान था, चैनल चल नहीं रहे थे, 5 चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गए थे, 5 चैनल बैन हो गए थे, लेकिन बस रगड़ते रहे। ठीक है, एक बार चल जाता है फिर उसके बाद सारा मेहनत सफल हो जाता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, एक बार चल गया तो वो फिर आजीवन चलता रहे। लोग जो है 2 महीना काम करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि हार मान जाते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आप 2 महीना नहीं 1 साल 2 साल रगड़ कर काम करिए, मेहनत फल जो है मिलता है यार, ऊपर वाला देखता है। शुरुआत में 1 साल में वही व्यूज बहुत नॉर्मली आते हैं। आप लोग घबराइए मत भैया, बहुत संघर्ष करके जो है, आप लोगों की उम्र अभी कितनी उम्र है? अभी यही 22 होगी। 22 है ना जी। भाई हमारा तो यार 25 के बाद चला था यार, बताइए भाई। वो BCA उसे कर लिए थे, समझ में नहीं आ रहा था जॉब कोई देगा कि नहीं। हम तो इतने पढ़ने में खराब व्यक्ति थे कि भाई 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलने वाली थी। वही हाल अभी तो हम लोग का। हाँ तो बस वही समझ कर भाई कि कहीं भी जाएंगे 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो बस आप लग जाइए इसी काम में भाई, हम अपना काम कुछ करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बस यही चीज़ है, बस मेहनत करते रहिए। 22 साल अभी बहुत कम उम्र है जी। ठीक है तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया, और सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं तो ये हैं द राज धर्मा यूट्यूब चैनल के ऑनर राघवेंद्र प्रताप सिंह। और जब मैं इनसे सेल्फी लेने लिया, मतलब ये गाड़ी में बैठ रहे थे जाने के लिए, तो जब मोबाइल निकाल कर मैं सेल्फी ले रहा था तो इन्होंने बोला अरे मैं इतना बड़ा भी इंसान नहीं हूँ कि गाड़ी में बैठे बैठे सेल्फी दे दूँ, नीचे उतरता हूँ बढ़िया से फ़ोटो ले लो भाई आराम से। भाई ने बढ़िया से नीचे उतरे और खूब बढ़िया जैसा मन करे वैसा फ़ोटो खिंचवा लो, खिंचवा लिया उन्होंने। उसके बाद बातचीत हुई, आप लोग देख भी किए, मतलब कि क्या ही बताया जाए, 1% का एटीट्यूड नहीं, मतलब कि होता है ना कि बड़ा आदमी होता है तो चल सेल्फी लेगा ऐसे करके टाल देता है, या फिर गाड़ी में से मुंडी ऐसे निकाल के सेल्फी देकर चल पड़ता है, ऐसा नहीं, नीचे उतर के बढ़िया से मतलब बवाल फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं खिंचवाए और उसके बाद गए। और भाई से हम लोग मिले थे अयोध्या में, बहुत अच्छा लगा मिलकर। जिस दिन मनीष भैया और मनीष कश्यप भैया बैठक किए थे सारे यूट्यूबरों का, उस दिन का ये वीडियो है। सब लोग हम लोग गए थे मिलने के लिए, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे और भी बड़े बड़े लोग आए थे, मतलब सब किसी से हम लोगों ने मिला, बहुत अच्छा लगा। वो मनीष भैया के वजह से हो पाया, लेकिन इन भाई को मानना पड़ेगा गजब का मजा आ गया। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।